Good morning, Ji. Good morning, good morning. Good morning, Ji. Good morning. Good morning, G. हाँ जी ठंड आ गया है चलिए स्टार्ट करते हैं तो पीडीएफ आपके पास आ गई है न सुप्रभा जी मैं मैं बढ़िया आप कैसे हैं मैं बढ़िया है जी आप बताइए आप कैसे हैं पीडीएफ मैंने आपको दे दी है ठीक है तो पीडीएफ इस हिसाब से प्रिपेयर कर दी गई है तो इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स को हम लोग लेंगे है ना जैसे इसको मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी मैसेज में प्लस में इन केस कोई नया ट्वेंट है कोई रैंडम जिसके पास पीडीएफ नहीं है तो एक बार मेरे को व्हाट्सअप कर दोगे यहाँ पे एट जीरो सेवन सिक्स फाइव थ्री फाइव सिक्स एट फाइव या जो नीचे नंबर आ रहा है होगा आपको नीचे जो स्लाइड बन के नंबर आ रहा होगा वहाँ पे व्हाट्सअप कर दोगे तो मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा तो ये जो सीरीज अब है इसका टारगेट ये है कि आपको आपके सिलेबस का अच्छे से आइडिया होना चाहिए ताकि आप लोग तैयारी अपने अच्छे से ढंग से कर सकें सब ठीक है सब बढ़िया है ना सब लोग बढ़िया है वॉइस क्लियर है बार कंफर्मेशन दीजिए प्लीज वॉइस क्लियर है तो स्टार्ट किया जाए फिर वॉइस क्लियर है ना बार कंफर्मेशन दीजिए वॉइस को लेके वॉइस क्लियर है वॉइस क्लियर है चलिए ओके जी ओके अब देखिए जो भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो वो डिस्कस करने का जो स्टाइल रहेगा वो आपका

तो पहला क्वेश्चन क्या है प्रूव दैट फाइव माइनस रूट थ्री इेशनल नंबर को शॉर्ट में आया लिख रहा हूँ करना है कि ये आपका इेशनल नंबर है अब ये क्वेश्चन कहा से आया ये क्वेश्चन आया नंबर सिस्टम से जो नंबर सिस्टम हम लोग डिस्कस करते हैं वहां से क्वेश्चन आया ठीक है नंबर सिस्टम

वेरी गुड सही कुर्सी में बैठ के देखिएगा कॉपी किताब लेके कॉपी पेन मेरे जी आ चुके हैं क्यू इक्वल जो वेरी गुड तीसरा एक और पॉइंट है कि इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए ये पॉइंट मिस कर देते हैं काफी लोग एनसीआर टी बकायदा गिवन दिया इस पॉइंट पर और यही पॉइंट ये जो थर्ड पॉइंट है इसी से हम लोग प्रूव भी करेंगे तो P एंड Q सुड नॉट हैव नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर एनी कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर वेरी गुड बहुत अच्छा नोट लिखा को प्राइम होना चाहिए बिल्कुल सही बात है कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए ठीक है को प्राइम भी एक ही बात है या मैं ये लिखूं लैंग्वेज में नो कॉमन फैक्टर एल एन जोन से बिल्कुल सही लिखा वेरी गुड ठीक है तो ये रेशनल नंबर की पहचान है तो अपना क्वेश्चन क्या है कि 5 माइनस रूट थ्री फाइव माइनस रूट थ्री इसको इरेशनल प्रूफ करो ठीक है इस क्वेश्चन को लेने के पहले मैं आपसे ये तो इजी क्वेश्चन हो जाता है जब क्वेश्चन डिस्कस करें तो डिटेल डिस्कस करेंगे मैं पहले आपसे ये पूछता हूँ कि रूट थ्री ये इरेशनल होगा कि रेशनल होगा ये बताओ रूट इरेशनल होगा कि रेशनल होगा रूट थ्री इैशनल कि रैशनल रूट थ्री इेशनल होगा ठीक है अब हमको ये चीज प्रूफ करनी है कि रूट थ्री जो इेशनल है ये हमको प्रूफ करना है कि प्रूफ डेट रूट थ्री इज नंबर ये प्रूफ करो ये प्रूफ करना सीख गए तो ये तो बच्चों वाला गेम है ये बच्चों वाला गेम है ठीक है रूट थ्री इेशनल नंबर है प्रूफ करो अब बहुत ध्यान से सुनना प्लीज बहुत ध्यान से बहुत ध्यान से क्योंकि ये प्रूफ करेंगे थोड़ा अलग ढंग से

करके हमने माना कि नंबर हम उल्टा लेके चलना है घर वाले नहीं कोई बात समझाते पे मत जाना जब छोटे होते हम लोग हम मानते नहीं जाओ पता चले गए और कुछ हो गया मान लो नहीं आग से आग से मत खेलना जल जाओगे जाओ खेलो तो आग से लग गया तो हम जान जाते हैं ये चीज नहीं करनी है तो हम उल्टा लेके चलना है कि तो अगर रूट थ्री रैशनल नंबर है तो ये पी फॉर्म में होगा ठीक बात है अगर रूट थ्री रेशनल नंबर है तो पी बाई फॉर्म में होगा थोड़ा रही है? तो पी फॉर्म में होगा यहां तक बात क्लियर है ठीक है अब क्या किया हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड थोड़ा कठिन है ध्यान से बैठिएगा तो रूट थ्री का स्क्वायर हो गया इधर क्या हो गया पी स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर ठीक है तो रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो गया थ्री क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाता है, 3 क्या हो गया? Square, ठीक है तो अगर क्यू स्क्वायर को मैं यहां भेज दूं तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू थ्री इंटू क्यू स्क् पी स्क्वायर क्या हो गया थ्री इंटू क्यू स्क्वायर अब एक बात मैं आपसे पहले यहां पे साइड में डिस्कस कर लेता हूं अगर मैं कह रहा हूं कि मान लो कि मैं 36 को लिख रहा हूं 36 को लिख रहा हूं टू फोर इंटू फोर इंटू थ्री का स्क्वायर एक ही बात है फोर इंटू थ्री का स्क्वायर क्या है थर्टी सिक्स ठीक है या मैं सिक्स को लिख रहा हूं टू इंटू थ्री सिक्स को तो मैं आपसे क्या कहूंगा कि टू जो है और थ्री जो है इन दोनों का मल्टीप्लाई सिक्स आ रहा है ठीक है तो टू क्या हो जाएगा सिक्स का एक फैक्टर हो जाएगा टू क्या हो जाएगा six का एक फैक्टर हो जाएगा ठीक है इसी टाइप से थ्री क्या हो जाएगा six का एक फैक्टर हो जाएगा यहां तक बात क्लियर है सेम थ्योरम यहां पे अप्लाई होती है अगर पी स्क्वायर क्या है थ्री और क्यू स्क्वायर के मल्टीप्लाई के बराबर है तो हम क्या कहेंगे थ्री इज आ थ्री इज आ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, थ्री इज अ फैक्टर ऑफ पी जो होगा अगर कोई भी नंबर कोई भी नंबर उसके स्क्वायर का फैक्टर है तो वो नंबर उस नंबर का भी फैक्टर होगा तो थ्री इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर दें थ्री विल ऑल्सो बी फैक्टर ऑफ ऑल्सो बी फैक्टर ऑफ फैक्टर ऑफ पी थ्री जो होगा पी का भी फैक्टर होगा ये थ्योरम होती है ठीक है अब जैसे ही थ्योरम अप्लाई किया तो हमें ये बात क्या क्लियर हो गई कि p का एक फैक्टर क्या मिल गया थ्री मिल गया कि जो p होगा वो थ्री का मल्टीप्लाई जरूर होगा

किसके बराबर हो गया थ्री एक्स स्क्वायर के बराबर अगेन थ्योरम क्या बोल रही है इस थ्योरम को दोबारा यहाँ लिख देता हूँ थ्योरम को दोबारा यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पे ठीक है यहाँ पे फिर से यू जा रहा है ना दोबारा लिख देता हूँ तो क्यू इक्वल टू क्या थ्री इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर थ्योरम क्या हो रही सेम थ्योरम को दोबारा लिखता हूँ मैं तो थ्री इज अ फैक्टर ऑफ थ्री इज अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर देन थ्री विल ऑल्सो बी फैक्टर ऑफ ऑल्सो बी फैक्टर ऑफ फैक्टर ऑफ थ्री सॉरी क्यू अगर कोई नंबर उसके स्क्वायर का फैक्टर है तो नंबर उस नंबर का भी फैक्टर होगा ये थ्योरम होती है ठीक है अब क्वेश्चन खत्म हो गया क्वेश्चन ऐसे खत्म हो गया कि हमने रूट थ्री को एक रैशनल नंबर माना था ध्यान समझिएगा क्वेश्चन खत्म हो गया हमने रूट थ्री को एक रैशनल नंबर माना था रैशनल नंबर की डिफिनेशन में तीसरा पॉइंट क्या होता है कि p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए ठीक है ये उसका होता है पॉइंट यहां नोटिस करो जो आपको नहीं दिख रहा था यहां पे देखो ये लाइन क्या लिखी है

तो यहां पे क्या हो गया कि जो हमने एज्यूम किया था माना था वो बात गलत हो गई हमने इसको रूट थ्री तो अगर ये बात गलत हो गई तो सही बात क्या है इसको बोलते हैं करना करना अपनी बात को करना, ये प्रूविंग का एक अलग स्टाइल होता है इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं स्टूडेंट फंस जाता है इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन दिया हमने माना रूट थ्री को रैशनल नंबर हमने अपनी बात को गलत प्रूफ कर दिया अपनी बात को गलत प्रूफ कर दिया इसका मतलब रूट थ्री क्या होगा रैशनल नंबर नहीं होगा तो अगर रैशनल नंबर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा फिर रूट थ्री हो जाएगा इरेशनल इरेशनल नंबर नंबर हो जाएगा तो ये प्रूविंग करने का जो स्टाइल इसको बोलते हैं कॉन्ट्रेडिक्ट स्टेटमेंट जैसे मान लो इसको मैं एक दूसरे फनी वे में लेता हूं या थोड़ा दूसरे वे में आपको एक बात करता हूं कॉन्ट्रेडिक स्टेटमेंट क्या होता है जैसे मान लो मैंने कहा कि गॉड भगवान अल्लाह जो भी उसको बोलो है ना उसने एक ऐसा पत्थर बनाया एक ऐसा पत्थर बनाया जिसको कोई नहीं तोड़ सकता ठीक है उसने एक ऐसा पत्थर बनाया कि जिसको कोई नहीं तोड़ सकता दूसरा स्टेटमेंट मैंने बोला कि जो गॉड है उसके पास असीमित शक्तियां हैं है ना इनफेनाइट पावर तो अगर गॉड के पास इन्फनाइट पावर है तो ये पत्थर भी तोड़ सकता है ठीक है लेकिन अगर ये पत्थर टोड़ सकता है तो वो स्टेटमेंट गलत हो गया कि पत्थर को कोई नहीं तोड़ सकता है तो दोनों एक दूसरे के क्या क्या हो गए कॉन्ट्रेडिक्ट हो गए स्टेटमेंट यही तरीका यहाँ पे प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है इस टाइप क्वेश्चन को कि हम पहले चीज चीज मानेंगे उसको करेंगे उसके बाद बाद करने उसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे गलत साबित कर देंगे तो वो गलत साबित कर देंगे उसका काउंटर पार्ट क्या हो जाएगा सही हो जाएगा कि अगर ये रैशनल नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया इशनल हो गया थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है एक बार बताएंगे कितने लोगों की चीज समझ में आ गई ईमानदारी से कितने लोगों चीज़ में आई अरे एक एक स्टूडेंट अपने लगना गुस्सा हो गए कठिन चला गया क्या अरे कोई बात तो नहीं जी कोई बात नहीं टेंशन लो ठीक है समझ गया ठीक है चलो अब सेम तरीके से हम लोग प्रूफ, प्रूफ करेंगे फाइव माइनस रूट थ्री को आते आते निकल गया कोई बात नहीं कोई बात नहीं इस टाइप का क्वेश्चन फिर कहीं आएगा मैं फिर लूंगा अब प्रूफ करते हैं फाइव माइनस रूट थ्री को इसको इरेशनल नंबर प्रूफ करते हैं जो क्वेश्चन आया था अपने एग्जाम में ठीक है तो फिर सेम तरीका सेम है इसको मानो रैशनल नंबर तो हमने माना इज अ रेशनल नंबर फाइव माइनस रूट थ्री इज अ रैशन नंबर ये एक रैशनल नंबर है ये माना

फाइव कैसा नंबर है रैशनल है इरेशनल रैशनल नंबर है फाइव रैशनल नंबर है और पी बाई क्यू रेशनल नंबर है ये तो हमने एज्यूम किया है रैशनल नंबर है तो बात आइए रैशनल माइनस रैशनल क्या होगा माइनस क्या होगा नंबर सिस्टम में लवासना बैच वाले वॉरियर बैच वाले दोनों लोग को बताया है रेशनल माइनस रैशनल क्या होगा अगर एक रैशनल नंबर में एक रैशनल नंबर को माइनस करो क्या होगा रेशनल ही होगा रेशनल प्लस रेशनल रैशनल होगा रेशनल माइनस रैशनल इसको कोई जीरो मत कर देना कट कर करके ये आर मतलब रैशनल नंबर रेशनल इनटू रेशनल ये भी क्या होगा रेशनल नंबर होगा रेशनल डिवाइड बाय रेशनल नंबर ये भी क्या होगा रेशनल नंबर होगा ठीक है तो रेशनल माइनस रेशनल क्या हो गया रेशनल नंबर हो गया लेकिन रूट थ्री क्या है इरेशनल नंबर है तो रेशनल इक्वल टू इरेशनल ये क्या कभी सही होगा नहीं होगा भाई 5 p q इसको आपने क्या बता दिया कि ये रेशनल नंबर है बट इक्वल के राइट हैंड साइड में क्या है रूट थ्री और रूट थ्री क्या होता है इरेशनल नंबर तो रैशनल इरेशनल तो कभी बराबर नहीं होंगे इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है तो पीछे चलते हैं रूट थ्री पे पहले पहुंचे इस पे डाउट है क्या रैशनल इरेशनल पे कोई डाउट ही नहीं है इरेशनल नंबर है फिर इस स्टेटमेंट पहुंचे फाइव जो है फाइव की तो गारंटी ले सकते हैं कि फाइव रैशनल नंबर है मेन बचा ये पी बाई अगर p बाई क्यू रेशनल है तो फाइव माइनस पी बाय क्यू रेशनल हो जाएगा जो कि इेशनल के बराबर है तो वो स्टेटमेंट गलत हो रहा है तो भी बचा क्या ऑप्शन अगर p बाई क्यू एक बात बताइए अगर p बाई क्यू इेशनल नंबर है इेशनल नंबर तो रेशनल माइनस इेशनल क्या होता है अगर p बाई क्यू इेशनल है तो रेशनल माइनस इेशनल क्या होता है माइनस इरेशनल क्या होगा रैशनल होगा या इरेशनल होगा इरेशनल होगा। तभी ये चीज बराबर हो जाएगी तभी ये चीज बराबर होगी इरेशनल इक्वल टू इरेशनल। इसका मतलब पी बाई क्यू को क्या होना पड़ेगा रेशनल नहीं इरेशनल होना पड़ेगा तो जो हमने माना पी बाई क्यू रेशनल हो गलत हो गया तो इसका मतलब

तो इसलिए पहला थोड़ा भारी क्वेश्चन ले लिया ताकि कुछ जनता बाहर हो जाए चलिए डराना नहीं था बस वो देखना था कि क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही होता है Usually वो लोग क्या करते हैं पहला क्वेश्चन ऐसा रख देंगे कि जहां से आपका कॉन्फिडेंस लूज हो या तो क्वेश्चन कठिन रखेंगे या क्वेश्चन लेंदी रख देंगे लेंदी जिसमें ज्यादा टाइम लगे आपको ताकि आपका टाइम वेस्ट हो तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो या आपसे क्वेश्चन ना बन पाए तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो है ना

अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है तो इसका सोल्यूशन है लग जाओ काम पे बताइए पहले वाले का बताइए जिसको हमने सर ब्रैकेट में कर दिया है क्या क्या ये पहला वाला जो पहला वाला है क्या ये आपका सोल्यूशन है या नहीं है ये पहला वाला सोल्यूशन है या नहीं है बिल्कुल है एक्सर पे टू पुट करो तो थ्री इंटू टू माइनस टू इंटू वन इक्वल टू क्या इक्वल टू फोर होना चाहिए थ्री इंटू टू क्या सिक्स माइनस टू इक्वल टू फोर फोर इक्वल टू फोर ठीक है तो पहला वाला सोल्यूशन है अब देखो कितना आसान क्वेश्चन आ गया इसलिए कह रहा हूं एग्जाम में कभी घबराना नहीं पहला क्वेश्चन नहीं बन रहा है घबरा जाओ वो जान के कभी कभी ऐसा क्वेश्चन डाल देते हैं कॉन्फिडेंस लूज हो आपका देखो दूसरा क्वेश्चन कितना आसान है इसलिए जो हमारे टाइपिस साहब है उनको हमने ऐसे ही क्वेश्चन अरेंज अरेंज करके दिए हैं ये वाले चलो दूसरा इसमें करो तो में फोर गया एट इक्वल टू एट बराबर हो गया दोनों सोलूशन है दोनों सोलूशन है लेकिन मेरा क्वेश्चन यहां तक नहीं रुकेगा क्योंकि हम लोग क्वेश्चन डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से क्योंकि इसमें मैक्सिम स्टूडेंट जो है, है बैच में पढ़ा दिया है एडवांस लेवल का लवास्ता पढ़ाना बाकी है तो ना तो इसके जो सोल्यूशन होंगे वो क्या होंगे क्या इन दोनों के यूनिक सोल्यूशन होगा यूनिक सोल्यूशन होगा या इनके नो सोल्यूशन होंगे या इनके इनफिनाइट सोल्यूशन होंगे क्या होगा इसका कौन सी कंडीशन फुलफिल होगी तीन कंडीशन होती थी देखो ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं ये कौन से टॉपिक में आता है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू वेरिएबल नो no ूशन बोल लो अपने सर में कोई भारी चीज मान लो कोई एक भारी चीज अपने सर में मान लीजिए नो सोल्यूशन कैसे हो जाएगा क्वेश्चन में ही दो सोल्यूशन लिख के दिया है उसने क्वेश्चन में ही दो सोल्यूशन लिख के दिया लीनर इक्वेशन टू वेरिएबल का टॉपिक है हर एक ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन शो करती थी ठीक है स्ट्रेट लाइन की क्या खासियत है, है या तो दो लाइन पैलर हो सकती है या एक दूसरे को ऐसे पॉइंट पे कट हो सकती है या क्या होगा एक दूसरे के ऊपर लाई कर गई ऐसा कभी नहीं होगा कि एक यहां पे कट हुई फिर घूम के ऐसे आ जाएगी ये लाइन है ऋतिक रोशन का डांस नहीं है क्या है कि घूम के आएगा लाइन सीधे चलती है, ठीक है तो तीन पॉसिबिलिटी बनती है यूनिक सोल्यूशन मतलब एक पॉइंट पे कट करेगी नो सोल्यूशन मतलब पैलर हो गई लाइन कहीं मिलेंगी नहीं इनफनाइट सोल्यूशन मतलब एक दूसरे के ऊपर लाइन लाई कर गई तीन कंडीशन होती है तो इस क्वेश्चन में इन तीनों में कौन सी कंडीशन होगी हाँ जी तो मेरी जी कहना x इक्वल टू टू कैसे आया अरे वो क्वेश्चन में गिवन दिया मेरी जी पीडे पर हो ना क्वेश्चन दिया गया है इनफाइनाइट सॉल्यूशन एलन जोन्स जी ने बताया बेबो हिफो जी ने इनफाइनाइट सॉल्यूशन बताया मेरी जी इनफाइनाइट पे रुके हैं अच्छा आपको नो सॉल्यूशन क्लियर हो गया ठीक है बाकी लोग आपको धरती मार्ग का समय कोई ऐसा नहीं करेगा कि रज़ाई सर के अंदर तक ओढ़े है फ़ोन से देख रहा है का समय ऐसे नहीं होगी जी ना रजाई को ऐसा फेंकिए जैसे मान लो सर है है ठंडी है ही नहीं है इतना दूर ना फेंकना कि मांगने जाना पड़े फिर रात को किसी से यूनिक नहीं जी दो सोल्यूशन ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिए उसने ये होगा इनफोनाइट सोल्यूशन इनफोनाइट सोल्यूशन जिन्होंने लिखा है पार्टी कर सकते हैं बिल्कुल सही है देखो ये क्वेश्चन तो कॉमन सेंस भी कर सकते थे क्वेश्चन में जो मैंने आपको पीडीएफ दिया है उसमें दो सोल्यूशन गिवन दिए हैं दो सोल्यूशन यूनिक मतलब क्या होता है एक सोल्यूशन तो यूनिक वाला पत्ता साफ हो गया यूनिक नहीं हो सकता नो no सोल्यूशन मतलब जीरो वही पत्ता साफ हो गया तीसरा क्या बचा इनफोनाइट सोल्यूशन कॉमन सेंस से कर सकते थे क्वेश्चन बाकी मैंने आप लोगों को एक कंडीशन लिखवाई थी अगर ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू के बराबर हो और सी वन बाई सी टू आपस में तीनों बराबर हो तीनों बराबर होने पे कंडीशन क्या होती थी इनफनाइट सोल्यूशन अब यहां पर नोटिस करिएगा ए वन क्या है जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई तो इन दोनों को डिवाइड करो ए वन बाई ए टू आ जाएगा थ्री बाई सिक्स कट के कितना आ गया वन बाई टू इन दोनों को डिवाइड करो तो माइनस टू डिवाइड बाई माइनस फोर तो सबसे पहले माइनस माइनस कट गए टू से फोर कटा वन बाय टू दोनों बराबर है अभी लेकिन पार्टी नहीं करेंगे फोर बाय एट को चेक करो तो फोर डिवाइड बाई एट दोनों कट के वन बाई टू आ गए तीनों आपस में क्या हो गए बराबर तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इनफिनाइट सोल्यूशन होगा अब क्लियर है और नो अब क्लियर है क्या अब ये चीज क्लियर है इनफोनाइट सोल्यूशन की क्या कंडीशन होती है कैसे पकड़ते हैं इस कंडीशन क्लियर है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अच्छा अगर इन्फाइट की क्लियर है तो जल्दी से कोई बताएगा यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है लगे यहां तो इन दोनों कंडीशन को रिवाइज कर लेते हैं यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है इनफनाइट के चलो ठीक है डिस्कस हो गया यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है ना निकुल यूनिक की कंडीशन क्या होती है ए वन बाई ए टू डवल टू बी वन बाई बी टू आपस में बराबर ही ना हो बस यूनिक सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन में क्या कंडीशन होती है ए वन बाई ए टू डॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू ठीक है फिर बचा नो no तो, सोल्यूशन no में क्या कंडीशन होती है नो no सोल्यूशन में क्या कंडीशन होती है ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू दोनों तो बराबर हो लेकिन तीसरा वाला बराबर ना हो सी वन बाई सी ना हो ये हो गई आपकी नो सोल्यूशन की अब तीसरा क्या बचा इनफाइनाइट सोल्यूशन जो भी डिस्कस किया था इनफाइनाइट सोल्यूशन इसमें क्या होता है तीनों बराबर हो a1 वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल तीनों आपस में बराबर हो कहीं कॉपी ओपी हो वहां नोट डाउन कर लो कहीं कॉपी वगैरह हो वहां नोट डाउन कर लो तो अगर यूनिक सोल्यूशन है तो ए वन बाई टू नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू ठीक है अगर, है. अगर नो सोलूशन है तो दोनों इक्वल होंगे तीसरा इक्वल नहीं होगा अगर है तो तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो आगे जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन किसका क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है

X plus x plus ये के लिए कुछ नहीं है 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 इसका वो क्या है? एल्फा बीटा बीटा आपसे कह रहा कि की वैल्यू बताओ आपसे कह रहा है इसके पॉलिमियल है तो इसकी वैल्यू बताओ ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया चलो देखते हैं कौन बताता है पहले माइनस एक्स नहीं प्लस एक्स है यहाँ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है पीडीएफ में तो प्लस एक्स है गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग अच्छा दोस्त गुड मॉर्निंग बोल रहे है। एक आंसर आया माइनस वन एक आंसर आया थ्री ठंडी का नतीजा लग रहा है भाई सुस्त लग रहे हैं आप लोग आंसर ही नहीं दे रहे हैं चाय नहीं मिली क्या तभी कहते हैं चाय करो चाय दवाई है दवाई का रूप है चाय चलो देखो हमको जब भी अल्फा और बीटा जीरोस गिवन दिए हमें दो चीज पता रहती है दो चीज तुरंत निकाल सकते हैं डर से हम एक अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जिसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस

A क्या हो गया वन हो गया कंपेयर करने पे ठीक है और कंपेयर करो यहाँ पे एक्स के साथ क्या है बी यहाँ पे क्या साथ पे वन है तो बी क्या हो गया वन हो गया यहाँ सी है है तो सी क्या हो गया वन हो गया तो ए बी सी सब क्या हो गए वन हो गए गामा हो जाता है <laughs> अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते तो माइनस बी बाई ए तो बी क्या है वन डिवाइड बाई ए क्या वन तो वन वन कुछ होता है नहीं कट के क्या हो गया माइनस वन ठीक है c बाई ये क्या हो जाएगा वन बाई वन तो ये वन आ गया आंसर ठीक है कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम जैसे पढ़ाना स्टार्ट करेंगे अल्फा बीटा नहीं बोलेंगे सोनू मोनू बोला करेंगे सोनू और मोनू कुछ भी नाम ले लो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता सोनू बोल दो मोनू बोल दो कोई नाम फर्क नहीं पड़ता ठीक है माइनस वन और ये वन हो गया अब यहाँ पे देखो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो की है माइनस वन एल्फा बीटा की वैल्यू है वन यहाँ पे कुछ और पूछ रहा है तो करना क्या होता है कि हमको घुमा फिरा के इस पे ही लेके आना होता है जो चीज हमको पता है अब यहाँ पे LCM लो तो एल्फा और बीटा का एल्सियम क्या हो जाएगा इंटू बीटा इंटू बीटा ठीक है अच्छा मोनू नहीं बोले कोई बात नहीं बीटा इंटू वन क्या हो जाएगा बीटा एल्फा इंटू वन हो गया एल्फा ठीक है तो बीटा प्लस एल्फा डिवाइड बाई एल्फा बीटा अब बीटा प्लस एल्फा को आप एल्फा प्लस बीटा भी बोल सकते हैं डिवाइड बाई एल्फा बीटा अब ये वैल्यू आपके पता है यहां से उठा उठा के पटक दो तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया माइनस वन अल्फा बीटा क्या हो गया वन तो माइनस वन डिवाइड बाई वन क्या हो जाएगा माइनस वन आपका आंसर आ गया तो करेक्ट आंसर क्या है माइनस वन कितने लोगों का माइनस वन सही आ गया था या कितने लोगों का नहीं आया था बट अब समझ में आ गया है कैसे होगा धरती माँ का समय सही बताएंगे कितने लोगों का आ गया है? आ गया ना ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा ऐसा कोई पर्सन है जिसका पीडीएफ ना हो सबके पास पीडीएफ है ना सबके पास क्वेश्चन पीडीएफ है ना क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा लंबी लंबी लाइनें लिखी हैं इसलिए पूछ रहा है सबके पास पीडीएफ है अब नेक्स्ट बड़ा लंबी सी लाइन लिखी है डिवाइड द पॉलिनोमियल एक पॉलिनोमियल है आपका नाइन एक्स की पावर फोर माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर ये एक पॉलिनोम है ठीक है अपको? इसको डिवाइड किससे करना है आपको इसको डिवाइड करना है आपको किससे डिवाइड करना है आपको डिवाइड करना है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अब यहां पे हम लोग पॉलिनोम का डिवीजन सीखेंगे पॉलिनोम को कैसे डिवाइड करते हैं वो सीखेंगे पॉलिनोम को कैसे डिवाइड करते हैं वो सीखेंगे इस क्वेश्चन में पॉलिनोम को डिवाइड करना सीखना है ठीक है चलो तो थ्री प्लस एक्स प्लस वन इससे डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया आपने किसको नाइन एक्स की पावर फोर माइनस फोर स्क्वायर प्लस से बैठेंगे प्लीज तो डिवाइड करने में करते क्या है देखो इससे इसको डिवाइड कर रहे हो तो सबसे पहले इसके मुखिया को अलग बुलाओ नाइन एक्स की पावर फोर इसको अलग बुलाओ ठीक है जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका मुखिया ये है मुखिया मतलब जिसकी पावर सबसे बड़ी उसको अलग बुलाओ पहले दोनों मुखिया को अलग से डिवाइड हो जाने दो जैसे पहले नहीं राजा राजा लड़ते तो एक और युद्ध होता था कि राजा आपस में तो लड़ लें क्या सेना को फालतू परेशान करें जो राजा जीत गया बस वही जीत गया फालतू पूरी सेना लड़ रही है अब इसको सॉल्व किया थ्री से नाइन कटा थ्री हो गया एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर फोर कटा तो एक्स स्क्वायर हो गया तो क्या बचा थ्री स्क्वायर थ्री स्क्वायर को यहाँ लिख दोगे। ये क्वेश्चन है आपका क्वेशन अब इस थ्री एक्स स्क्वायर का इस पूरे में जो कि यहाँ था पूरे में मल्टीप्लाई करना है पूरे में तो थ्री के पहले थ्री मल्टीप्लाई करो तो थ्री इंटू थ्री नाइन और एक्स स्क्सर क्या हो जाएगा पावर प्लस हो जाएगी तो टू प्लस टू क्या हो गया फोर ठीक है फिर थ्री स्क्वायर और प्लस एक्स सॉरी इंटू एक्स क्या हो जाएगा थ्री एक्स क्यूब हो जाएगा थ्री एक्स क्यूब तो आपका थ्री एक्स क्यूब को मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है ना

दोनों कट के जीरो माइनस फोर ये माइनस थ्री माइनस फोर माइनस थ्री कितना पहले लिख देता हूं इसको पहले लिखने का मतलब क्या है मुखिया यही है पावर इसकी यही है इसको पहले लिख दिया। फिर प्लस फोर है प्लस फोर को उतार दिया ये स्टेप क्लियर हुआ, हुआ? Yes no? कि नहीं क्लियर हुआ और नो ये बहुत जल्दी से बताएंगे स्टेप क्लियर हुआ यस और नो किसी को कोई दिक्कत किसी कोई परेशानी बता सकता है क्लियर है चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब जो मुखिया है माइनस थ्री का एक्स क्यूब है थ्री एक्स क्यूब मुखिया इसको किनारे ले गए अपना ये यही है थ्री स्क्वायर ठीक है

प्लस एक्स और प्लस टू एक्स कितना हो गया जुड़ के प्लस थ्री एक्स और फोर प्लस टू सिक्स और डिवाइड होगा यस और नो कौन बताएगा आगे डिवाइड होगा कि नहीं होगा कि यही तक आंसर आ जाएगा आगे डिवाइड होगा कि यही आंसर हो जाएगा क्या पहचान है इस क्वेश्चन की हाँ, जी आप बताएंगे आगे डिवाइड होगा कि यहीं से आंसर छोड़ दें आप बताइए रीपा जी एल जो जी आप बताइए आगे डिवाइड नहीं होगा ठीक है क्यों डिवाइड नहीं होगा आगे उसका रीजन ये है कि जिससे डिवाइड करते हैं जैसे डिवाइड करते हैं उसकी पावर हमेशा ज्यादा होना चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए जैसे यहाँ पे एक्स की पावर फोर था यहाँ टू था तो पावर बड़ी थी इसकी डिवाइड डिवाइड किया किया ये पहला स्टेप हो गया किया, ठीक है? यहां पावर थ्री है, टू है हमने डिवाइड किया क्योंकि पावर अभी बड़ी है सेकेंड स्टेप हो गया यहाँ एक्स स्क्वायर है पावर बराबर हो गई तो हमने एक बार और डिवाइड किया थर्ड स्टेप यहाँ पे पावर क्या है वन ये टू जो पावर आपकी है वो हो गई क्या छोटी ठीक है इसलिए यहीं से क्वेश्चन खत्म हो गया अब ये जो है ये आपका हो गया रिमाइंडर ये क्या हो गया रिमाइंडर ठीक है क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि रिमाइंडर बताओ तो रिमाइंडर क्या लिखोगे 3x plus 6 ये क्या हो गया कोशेंट हो गया ये क्या हो गया कोशेंट हो गया कोशेंट में क्या आ जाएगा 3x2 minus x minus 2 तो यहां से हो गया क्वेश्चन समाप्त ठीक है तो इस टाइप से

माइनस टू एक्स प्लस सेवन इस पे डिवाइड करना है और अगेन आपको बताना है इस क्वेश्चन में रिमाइंडर रिमेंडर और कोसेंट दोनों क्या है बताना है कोसेंट दोनों क्या है बताना है ठीक है क्लियर है दोनों क्या है ये बताना है अब यहाँ पे आगे की क्लास में कुछ मैं इजी क्वेश्चन ले लेता हूं ताकि थोड़ा सा आपका मोटिवेशन बढ़े आपको ये लगे कि कठिनी क्वेश्चन आते हैं थोड़ा इजी क्वेश्चन में ले लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं अभी कुछ क्वेश्चन में स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ टू की पावर थ्री उसकी पावर फाइव ये भी क्वेश्चन में आया था ये जो क्वेश्चन आया था वन मार्क का आया था ठीक है वन मार्क का बताइए आंसर क्या होगा अब ये तो सबको आ जाना चाहिए इसका आंसर बताइए क्या होगा टू की पावर थ्री उसकी पावर फाइव क्या आंसर होगा बस इतना बता दो कि फाइनल आंसर में पावर कितनी होगी ये बता दो बस फाइनल आंसर में पावर कितनी होगी नहीं, नहीं नहीं एट नहीं जी एट नहीं उसको टू की पावर पे रखो एल उसको टू की पावर पे रखिए ना बेस टू ही रहेगा बेस रहेगा पावर बताइए पावर आपस में हो जाती multiply, M N, है मल्टीप्लाई एम इन एन वही अप्लाई हो जाएगा टू की पावर क्या हो जाएगा थ्री इन टू फाइव टू की पावर कितना टू की पॉवर कितना ठीक है इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं इसका आंसर देना सब लोग टू की पावर जीरो इसका आंसर क्या होगा टू की पावर जीरो टू की पावर जीरो इसका आंसर क्या होगा परफेक्ट ये चीज याद रखना कोई सो भी रहे हो ना कोई पूछ दे तो इसका आंसर नहीं बोलोगे टू की पावर जीरो आंसर क्या होगा वन होगा ठीक है अच्छा एक और बताओ टू की पावर फोर इंटू फाइव की पावर सेवन इंटू थ्री की पावर टू डिवाइड बाई थ्री की पावर फोर इंटू टू की पावर थ्री इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर क्या होगा अगेन वन चाहे जितना बड़ा बेस गिवन दे जितना बड़ा बेस गिवन दे दे देने के लिए आपको बड़ा सा बेस दे, दे देगा वो है ना लेकिन अगर पावर जीरो आंसर कुछ भी, कुछ भी क्या, क्या हो जाएगा वन हो जाएगा ठीक है ये चीज याद रखेंगे चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके लिए X की एक्स की पावर थ्री इंटू एक्स की पावर फाइव डिवाइड बाई एक्स की पावर टू अब मैं इसको थोड़ा आसान करता हूँ इक्वल टू हो गया एक्स की पावर पी तो बता देना है कि पी की वैल्यू क्या होगी इसको सॉल्व करो इक्वल टू एक्स की पावर पी बस इतना बता दो एक्स की पावर आया क्या आपके आंसर में एक्स की पावर आपके आंसर में आया क्या ये बता दो बस आपके आंसर में x की पावर क्या आया बस इसे बता देना है आपको Six आया क्या वेरी गुड वेरी गुड नहीं नहीं एट गलत हो गया जी एट गलत हो गया नीचे भी तो बैठा है एक बार दोबारा आप वेरीफाई करो एट आपका सही है गलत एट वेरीफाई करिए फिर कमेंट करिए आप एट आपका सही है आपसे मिस्टेक हो गया यहाँ पे रूल क्या लगा पावर प्लस हो गई तो एक्स की पावर थ्री प्लस फाइव होता है एट डिवाइड बाई एक्स की पावर टू यहाँ डिवाइड हो रहा है तो रूल क्या लग गया पावर माइनस हो गई तो एट में टू गया कितना सिक्स आंसर ठीक है अब मैं थोड़ी देर के लिए एपीपीएससी के क्वेश्चन बंद कर देता हूँ ये देखो बंद कर दिए एपीपीएससी क्वेश्चन थोड़ी देर के लिए अब थोड़ी देर में अपना लास्ट कुछ मिनट बाकी रिविजन तो कराता हूँ आई मीन जनरल रिविजन जो अभी आपको सिखा रहा हूँ ठीक है चलो सबसे पहले बताओ जीरो जो होगा वो आपका इवेंट नंबर होगा या ऑड नंबर होगा जीरो जो होगा इवेंट नंबर या ऑड नंबर जीरो जो होगा इवेंट नंबर होगा या ऑड नंबर होगा अब एक्टिव रहना है, है? लास्ट के कुछ मिनट बाकी ही बस। है बस एक्टिव रहना है प्लीज आंसर देना है सही गलत मैटर नहीं करता लास्ट का एक राउंड बची बचा है आपका जीरो इवन या ऑड हमेशा याद रखना जीरो क्या होगा इवन नंबर होगा इवन नंबर कभी कंफ्यूजन आ रहा है ऐसे देख लो नंबर सिस्टम में थ्री आपने मान लो लिखा थ्री क्या होता है ऑड फिर टू तो ये ऑड फिर इवन ठीक है फिर वन वन क्या हो गया फिर से ऑड वन के बाद क्या आ गया जीरो जीरो क्या है इवन जीरो, जीरो क्या होता है इवन नंबर परफेक्ट ठीक है जल्दी बताइए फर्स्ट फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा फर्स्ट प्राइम नंबर अब यहां पे केवल आपको एक होता ना आपके आंसर जल्दी निकलना वो प्रैक्टिस करा रहे हैं तो अलर्ट होके बैठी है जल्दी आंसर करना यहां सोचना नहीं है देखो एग्जाम समझो प्लीज आप लोग कई एग्जाम दिए हो किसी को किसी एग्जाम में फेलियर मिली होगी किसी को सक्सेस मिली होगी लेकिन जब तक अगर आप एनालाइज नहीं कर रहे हो ना एग्जाम को तो सारी मेहनत बेकार है एनालाइज करो अपने एग्जाम को तो चीज समझो कि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन होते हैं जहां पे आपको सोच के आंसर देना है जब तो आप कंपिटेटिव एग्जाम बैठते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको तुरंत आंसर आना चाहिए वहां से टाइम सेव होता है अब ये वो प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि तुरंत आंसर तुरं� निकालो ठीक है चलो नेक्स्ट बताओ फर्स्ट और प्राइम नंबर फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर फाइव मेजर जी फाइव टेन जी वन वन तो प्राइम होता ही और अरे भगवान कुछ टाइम के लिए मेरे को मार दो तुम भगवान कुछ टाइम के लिए मेरे को बुला लो मतलब ऊपर पांच दस मिनट लिए कम से कम बुला लो कहां से हो जाएगा टू कहां से आंसर आ गया टू वन फाइव हाँ थ्री परफेक्ट थ्री थ्री करेक्ट आंसर है भाई फर्स्ट प्राइम नंबर टू होगा तो टू से पहले तो जाएंगे नहीं वन तो आपका गलत हो ए, वन तो हो ही नहीं सकता ठीक है वन तो बिल्कुल निगलेक्ट कर दो फिर टू के बाद जब थ्री हमारा प्राइम नंबर है थ्री से क्या दुश्मनी है मेजी जी आपकी थ्री से क्या दुश्मनी है है ना थ्री प्राइम नंबर आ चुका है और और भी है तो थ्री आपका करेक्ट आंसर है चलो आगे बढ़ते हैं कोई बात नहीं फर्स्ट जल्दी बताएंगे फर्स्ट फर्स्ट इवन कंपोजिट नंबर इवन कंपोजिट नंबर फर्स्ट इवन कंपोजिट नंबर कोई कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं नहीं फर्स्ट इवन इवन कंपोजिट नंबर परफेक्ट परफेक्ट जी even तो है लेकिन टू तो प्राइम नंबर है ना टू कंपोजिट नहीं है टू रॉन्ग हो गया कोई बात नहीं फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर ऑड कंपोजिट नंबर टू गलत हो गया जी टू गलत टू आपका प्राइम है तो प्राइम है तो आपका तो कंपोजिट तो कैसे हो जाएगा फोर कैक्ट आंसर है कंपोजिट सिंपल से कंपोजिट डिफिनेशन है जो प्राइम ना हो कंपोजिट है सिंपल डिफिनेशन है जो प्राइम ना हो कंपोजिट है फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर फाइव बिल्कुल गलत है फाइव प्राइम है ना <laughs> ये राउंड कराने की इसकी जरूरत पड़ी मैं हमेशा चीजों को चेंज करता रहता हूं अपनी स्ट्रेटजी को अपने स्टाइल को क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है से होना चाहिए अब मैं वही घिसी पुरानी टाइप मिस्टेक बता रहे हैं मतलब कौन ऐसा टाइप मिस्टेक करता है, है? <laughs> थ्री को आप फाइव लिख दोगे बट कोई नहीं ऐसी मिस्टेक्स होती है एग्जाम में भी होती है। उसको हैं उसको तो ओवरकम करेंगे हम लोग प्रैक्टिस करके हमें टेंशन नहीं लेना है डोंट नो सर कोई बात नहीं जी देखो प्राइम जो प्राइम होगा वो कंपोजिट नहीं होगा और जो कंपोजिट होगा प्राइम नहीं होगा सिंपल पहले ये माइंड में फिट रखो ठीक है वो कंपोजिट नहीं होगा वक्त बदल गया है जमाल बदल गया ठीक है अब मैंने पूछा फर्स्ट इवन कंपोजिट नंबर तो आप आराम से देखो टू जो है इवेंट नंबर है लेकिन प्राइम है फोर इवेंट नंबर है लेकिन प्राइम नहीं है तो अगर प्राइम नहीं है तो कंपोजिट हो गया फोर डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी मैं थोड़ा सा दूसरे कामों में बिजी हो गया था क्योंकि जब तक आपका एसआई एग्जाम था मैं हंड्रेड परसेंट हर चीज को मैंने साइड करके बहुत सी चीजें मेरी पर्सनल भी साइड करके मैं फुल्ली उस पर था फिर मैं कुछ और चीजों में बिजी हो गया था लबासना मैच भी उसका हो गया और आप लोगों के सपोर्ट से हंड्रेड प्लस स्टूडेंट ने लबासना मैच में रजिस्टर कर लिया है मतलब जो स्टूडेंट हैं जो लोग ऑफिसर एपीसीएसर की तैयारी कर रहे हैं प्लस स्टूडेंट तो उसमें थोड़ा समय बिजी था क्योंकि स्टार्टिंग में उनकी क्लासेस आप लोग के एग्जाम तक हो रही थी तो उनका मैंने यहाँ पे उनका फुल उस पर ध्यान दिया उन सब का फीडबैक लिया उन सब का फीडबैक कुछ क्योंकि ये मेरे लिए नया था क्योंकि मैं ऑनलाइन में ऑफलाइन की फैसिलिटी देने का नया ट्राई कर रहा था तो मैं पूरी जो टीम है उसके लिए नया था तो काफी थोड़ा सा मेहनत लगी बट सबका फीडबैक अच्छा है इनफैक्ट मेरे एक स्टूडेंट है जो हिमाचल प्रदेश से हैं वो तैयारी वहां से बैठ के कर रहे हैं एक उत्तराखंड से हैं तो ये चीज मैं चाह रहा था इस टाइप के हूँ कोई हाउस वाइफ है तो जो नहीं तैयारी वो सब भी कर पा रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा मैं बिजी था बट अब मैं क्लासेस ये और मैं जो बोला आपको आपको मैं प्रीवियस ईयर के थ्रू पूरा सिलेबस रटवा दूंगा कि सिलेबस होता क्या है ठीक है तो प्लीज डोंट वरी अब मैं चीजों से फ्री हो गया हूँ अब मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ ठीक है अब प्राइम नंबर मैं पूछा आपसे पहला प्राइम नंबर नंबर सॉरी टू प्राइम होता है तो ये तो कंपोजिट आपका, आपका तो 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 फर्स्ट इवन प्राइम, प्राइम कंपोजिट नंबर क्या हो गया फोर ऐसे ऑर्ड में चलो वन वन तो बेचारा नकारा आदमी है ना इवन सॉरी कंपोजिट ना प्राइम फिर थ्री थ्री आपका प्राइम नंबर है तो ये भी क्रॉस

को प्राइम नंबर का एक एग्जाम्पल लिख के दीजिए को प्राइम नंबर जल्दी से स्पीड पकड़िए स्पीड को प्राइम नंबर का एग्जाम्पल सिक्स एंड सेवन परफेक्ट सिक्स एंड सेवन ठीक है बिल्कुल सही है कोई भी दो अगर आप उठा लो

एटीन प्राइम नंबर है या नहीं है और yes नो no, बताएंगे कोई ऐसा मेरा स्टूडेंट को लग रहा है एटीन प्राइम नंबर है ऐसा तो कोई नहीं है एटीन प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि एटीन के मोर देन टू फैक्टर है एट द सेम टाइम बताइए ट्वेंटी फाइव प्राइम नंबर है या नहीं है यस सो नो ट्वेंटी फाइव प्राइम नंबर है या नहीं है

ये टू और थ्री है कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इसलिए नंबर होगा तो तो ये जो को का है है बहुत पूछा जाता है। तो 18, 25 में कोई कॉमन नहीं है बट ये आपका को प्राइम है ठीक है क्योंकि दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो को प्राइम नंबर क्या है जिसमें कोई कॉमन ना हो एक चीज और बताइए कि एस सी एफ एस सी एफ ऑफ ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में एस सी एफ ऑफ को प्राइम नंबर को प्राइम नंबर इज को प्राइम नंबर का एस क्या होगा एस सी एफ ऑफ को प्राइम नंबर क्या होगा याद रख लो एस सी एफ जब भी को प्राइम नंबर होगा एस सी एफ क्या होगा याद रख लो एस सी एफ क्या होगा वन होगा क्या होगा वन होगा क्यू वन होगा क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है और एस सी एफ मतलब भी क्या होता है कुछ कॉमन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है एस सी एफ मतलब ही क्या होता है कॉमन तो so, क्या होगा वन होगा ठीक है फिर एक होता है ट्विन प्राइम नंबर ट्विन प्राइम नंबर बताएंगे आप लोग ट्विन प्राइम नंबर के एग्जांपल क्या होंगे ट्विन प्राइम नंबर बताइए आप लोग ट्विन प्राइम नंबर के एग्जाम्पल क्या होंगे ट्विन प्राइम नंबर के एग्जाम्पल क्या होंगे वेरी गुड ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं जिनका डिफरेंस टू हो प्राइम नंबर दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए लेकिन डिफरेंस क्या होना चाहिए उस डिफरेंस इज टू उस डिफरेंस कितना हो डिफरेंस कितना हो टू हो डिफरेंस कितना हो टू हो ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस टू हो क्या होंगे ट्विन प्राइम नंबर ठीक है एग्जांपल क्या हो जाएगा थ्री फाइव डिफरेंस टू ठीक है फाइव सेवन डिफरेंस टू सेवन नाइन नहीं होगा सेवन नाइन नहीं होगा ठीक है क्योंकि नाइन प्राइम नंबर नहीं है फिर इलेवन थर्टीन ठीक है 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 इसके बाद आपका एक लिखा बिल्कुल सही है, difference two, 29, 31, difference तो ये सारे पे क्या हो 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 और दोनों प्राइम हो। ऐसा पेयर जहां पे दोनों प्राइम नंबर हो difference हो क्या हो जाएगा टून प्राइम नंबर ठीक है तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं आज की क्लास यहीं तक रखते हैं आपको

ना वो लेने लगे जितने लोग हो जाते हैं सिलेक्शन कुछ बोलते हैं सर आपकी कुछ नहीं होता है सही बता रहे हैं ना हमारे या कोई भी हमारी टीम में इतने कोई किसी सब होता है आप ही के थ्रू कोचिंग का काम क्या होता है कि जो चीज आप एक महीने में पढ़ेंगे आपको दस दिन में हो जाए आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी बनवाई जाए है ना और जैसे प्रीवियस ईयर पीडीए बना के आपको दी वो आप खुद करते हैं आपको टाइम वेस्ट होता है ये और कुछ काम नहीं होता किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन लेने में स्टूडेंट के ही दम पे होता है स्टूडेंट के ही नाम पे होता है कोई ऐसा नहीं होता है Either, ऐसा हो तो जितना भी सब बड़ा बड़ा आदमी है सब लोग कोचिंग वालों को पे करके कर ले हाँ, वो बात अलग है वो एंट्री ले ले बात अलग है तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तब भी आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी की जरूरत है अगर आप ऑनलाइन थ्रू करना चाहते हैं तब भी आपको स्ट्रेटजी जरूरत है अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तब भी आपको स्ट्रेटजी की जरूरत है क्योंकि बहुत तेजी से वेरिएशन आ रहा है एग्जाम्स में क्वेश्चन की डिफिकल्टी पे रेंडमनेस पे हर चीज पे तो इसलिए इस पूरे इसका वो रहेगा कि मैं आपको स्ट्रेटजी वगैरह डिस्कस करता रहूंगा जिससे आप एक सही ट्रैक पर आए चलना आप ही को है दौड़ना आप ही को है है ना जीत आप ही की रहेगी और साथ हमारा रहेगा तो इसलिए स्ट्रेटजी वगैरह मैं आपसे डिस्कस करता रहूंगा कि किस वे में आपको प्रिपेयर करना है ठीक है क्योंकि अब जो भी एग्जाम्स आएंगे ऑफिसर रैंक के आएंगे कई लोग ऐसे हैं जो एग्जाम दिया हो सकता है वो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गए होंगे कि हम हो गया भाई अब नहीं देना एग्जाम ये सबसे गलत चीज होती है ये तो वही समझो कि गड्ढा आप खोद रहे थे कुएं के लिए बस पानी आने वाला था पानी आने वाला था आप ऊपर आ गए ये तो वो हो जाएगा यहाँ तक अगर लगे रहे तो थोड़ा साथ और दो मेरा है ना अब जीत कर ही जाओ भाई वापस ऐसे मत जाओ आपके बहुत से अपने हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं आप कहीं कोई इंटरनगर में बैठ के पढ़ाई कर रहा है कोई नहा लोगों में बैठ के कर रहा है कोई घर में कर रहा है कोई कहीं कर रहा है तो थोड़ा जीत के जाइए अब है ना थोड़ा साथ दीजिए मेरा और तो मैं आपका दूंगा जीत के जाइए डिमोटिवेट मत होइए प्लीज ठीक है थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम थैंक यू कल मिलते हैं मैं आपको अनाउंस करता रहूंगा क्लास का थैंक यू वेरी Please take care.